الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الحمد لله. अब जिस मस्जिद की आपको ज़्यारत करवा रहा हूँ, ये मेरे पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है. इस मस्जिद का नाम है मस्जिद गुमामा. इसकी फजीलत ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बारिश के लिए दुआ फरमाई थी और फौरी दुआ कबूल हुई थी और बादल आके यहाँ पे ज़ोर शोर से बरसना शुरू हो गए थे. तो आप भी जब मदीना शरीफ में, अल्लाह ताला आपको हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए, जब भी आप आएँ मस्जिद गुमामा में दो रकअत नमाज नफल अदा कीजिए इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला हमारी भी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाएगा. और उसके साथ है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये सामने मस्जिद आपको वो नज़र आ रही है. तो ये मस्जिद है माशाल्लाह, अभी इसका एक्सटीरियर हुआ है, कुछ काम रेनोवेशन का काम हुआ है, मस्जिद गुमामा का काम हुआ है. तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी हुई है और अल्लाह ताला आपको इसकी ज़्यारत करने की तौफीक अता फरमाए. मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक में जमात नहीं होती, लेकिन मस्जिद गुमामा में 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह जमात होती है. तो आप यहाँ पे नमाज़ की भी सआदत हासिल करें. ये आप जब मदीना शरीफ में आएंगे तो गेट नंबर 6 आप यूज़ करेंगे, उससे सीधा निकलेंगे. ये आपको कैमरे में माशाल्लाह गेट नंबर 6 आपको दिखाता हूँ. ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये गेट नंबर 6 है. तो यहाँ से आप आइए गेट नंबर 6 है. तो सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी आपको नज़र आ रहा है. तो यहाँ से सीधे आप निकलेंगे तो आपके माशाल्लाह 100 मीटर के फासले पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये आपको मस्जिद गुमामा और उसके साथ मस्जिद आपको नज़र आएगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको नज़र आएगी. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बार बार इस जगह की ज़्यारत करने की तौफीक अता फरमाए और बार बार आपको सआदत नसीब फरमाए. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियो देखते रहिए और हमारा चैनल आई लव होली प्लेसेस वो भी आप सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक का पेज आई लव होली प्लेसेस के नाम से है, वो भी आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा. हमारा मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए होली प्लेसेस की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना है, सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से, ताकि आप जब भी यहाँ पे मदीना शरीफ में आएँ और अल्लाह ताला आप सबको मुसलमानों का सादा नसीब फरमाए और आप घर बैठे भी माशाल्लाह इन प्लेसेस की ज़्यारत कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको और भी ज़्यारत करवाएँगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.